नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बजट से यूं तो आम नागरिक हर साल उम्मीदें रखता है, लेकिन आम लोगों के साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सेलेब्स की निगाहें भी इस बार बजट पर टिकी हुई हैं। मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ घोषणाएं की थी, वहीं इस साल भी फिल्म इंडस्ट्री मोदी सरकार से कुछ राहत की उम्मीद में है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि पायरेसी को खत्म करने के लिए भी मोदी सरकार ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रोविजन की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि भारत हर साल $2.5 बिलियन ऑनलाइन पायरेसी के चलते गवा देता है। भारतीय रुपए में ये रकम बहुत बड़ी है। हर साल देश के कई फिल्म प्रोड्यूसर्स की कमाई पर पायरेसी के चलते फर्क पड़ता है। एंटी कैमकॉर्डिंग के सहारे पायरेसी पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। हालांकि ये कदम कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मोदी सरकार के इस कदम से फिल्म इंडस्ट्री को काफी फायदा हो सकता है। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए शुरू किया था। फरवरी में अंतरिम बजट में सिंगल विंडो क्लियरेंस की घोषणा करते हुए कहा गया था कि सिंगल विंडो क्लियरेंस पहले सिर्फ विदेशी फिल्म मेकर्स को ही उपलब्ध था, लेकिन अब ये भारतीय फिल्मकारों के लिए भी उपलब्ध होगा। इससे फिल्म मेकर्स को देश भर में शूटिंग को लेकर जगह जगह परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी पेपर वर्क को एक फाइनल अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद शूटिंग शुरू की जा सकेगी। इससे फिल्म मेकर्स का काफी समय और एनर्जी बचेगी और फिल्में बनाने में कम अड़चने आएंगी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने पिछले बजट के दौरान ₹100 से अधिक की टिकट पर 18% GST घटाकर 12% कर दिया था। कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। वैसे आपको बजट 2019 से क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।